गुड मॉर्निंग टू डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एवीएमई ऑनलाइन क्लासेस। आई एम योर सर चेतन शर्मा। टुडे वीडियो फॉर द लास्ट वीडियो फॉर द क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस फॉर दिस चैप्टर। बच्चों आज हमारा लास्ट वीडियो बनेगा इस चैप्टर के ऊपर और हम लोग फटाफट से इसको कंप्लीट करेंगे। विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। आरबीएससी बोर्ड के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर जो 4 है, इम्यूनिटी सिस्टम एंड ब्लड ग्रुप्स, उसका लास्ट वीडियो हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर देंगे। तो हमारा जो आज के जो वीडियो सेगमेंट में जो मेंशन पॉइंट्स है वो कौन सा हो गया? सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ेंगे प्रिकॉशन ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। बच्चों मैंने आपको बताया था ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब ये होता है कि एक डोनर से रिसीवर में ब्लड को क्या करना, ट्रांसफर करना, इन द प्रेजेंस ऑफ द मेडिकल स्टाफ, मेडिकल टीम, इन द प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर। तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाएगा, यानी ब्लड का ट्रांसफर करना ही क्या कहलाएगा? ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाएगा। ओके बच्चों, तो हम लोगों को ये भी देखना पड़ता है साथ में कि जब हम ब्लड एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर कर रहे हैं तो हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सावधानियां रखनी पड़ती है। हम लोग इसको हल्के में नहीं ले सकते। हो सकता है कि वो पर्सन जो डोनेट कर रहा हो ब्लड, उसको कोई डिजीज हो, वो किसी चीज़ से अफेक्टेड हो, तो जिसको ब्लड चढ़ रहा है वो भी पर्सन अफेक्टेड हो सकता है। तो बहुत सावधानियां रखनी पड़ती है, बहुत सारा टेक केयर करना पड़ता है। तो देखो सबसे पहला क्या पॉइंट हो जाएगा ड्यूरिंग द प्रिकॉशन ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कौन सा प्रिकॉशन हो जाएगा? सबसे पहले एबीओ एंटीजन ब्लड ग्रुप को मैच करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू डोनर एंड रिसीवर। डोनर का ब्लड ग्रुप और रिसीवर का ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए तो ही वो ब्लड ट्रांसफ्यूज होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, अगर आप लोगों ने एबीओ ब्लड ग्रुप किया है तो साथ में आप पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसा कि मैंने आपको कहा था, आरएच फैक्टर बी यानी एंटीजन डी को भी मैच करना पड़ेगा। ओके, अगर मान लो आरएच एंटीजन मैच नहीं कर रहा है, जैसे एक सपोज करो कि एक ब्लड ग्रुप, जैसे मैं ही हूँ तो मेरा ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव और मैं जिसको देने वाला हूँ वो बी नेगेटिव है, या सपोज करो कि वो ए बी नेगेटिव है, तो मैं उसको नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप और मेरा ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा, उसका एंटीजन और मेरा एंटीजन आरएच फैक्टर मैच नहीं कर रहा है, तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, मैं ब्लड नहीं दे सकता। थर्ड पॉइंट, टेस्टिंग ऑफ द ब्लड फॉर द फाइंड पैथोजेनिक डिजीजेस। देखो अगर ब्लड ट्रांसफर कर रहे हैं उससे पहले डोनर के ब्लड का टेस्टिंग किया जाता है, डोनर के ब्लड में कोई पैथोजेनिक डिजीज तो नहीं आ गई। पैथोजेनिक डिजीज का मतलब ये हो गया कोई भी, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, कोई भी वो एंटर तो नहीं कर गए, वो पर्सन जो है वो मलेरिया, डेंगू, इस टाइप की डिजीज से तो नहीं चल रहा है, तो अगर है तो उसका ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं किया जाएगा। ब्लड शुड बी केप्ड इन द रेफ्रिजरेटर। अब ब्लड लेने के बाद में इसका कलेक्शन कहाँ करेंगे? इसको डायरेक्टली स्टोर किया जाएगा रेफ्रिजरेटर के अंदर तुरंत, और ब्लड किसी को चढ़ाना होगा तो उससे जस्ट 30 मिनट बिफोर ब्लड वहाँ से लेकर आया जाएगा, तो रेफ्रिजरेटर में ब्लड रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लड क्या होता है बेटा, आरबीसी वगैरह ये सब क्या हो जाती है, कंटामिनेटेड हो जाती है, तो कोल्ड स्टोरेज एक ऐसा प्लेस होगा जहाँ पर ब्लड आप लोगों का सेफ रहेगा। तो कंटामिनेशन से बचाने के लिए, यानी कि ब्लड को स्पॉइल होने से बचाने के लिए कहाँ रखा जाता है? रेफ्रिजरेटर में। अगला पॉइंट, जब भी आप लोग ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते हुए देखोगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक मेडिकल की टीम या एक नर्सिंग स्टाफ या डॉक्टर वगैरह जो होते हैं उनके अंडर ऑब्जर्वेशन में ही सारा काम होता है, तो प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ इज नेसेसरी ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ ब्लड। सिक्स और लास्ट पॉइंट हो जाएगा, लास्ट और फाइनल है प्रिकॉशन, वो है कि ब्लड रिलेटेड डिजीज नहीं होनी चाहिए। जो भी पर्सन ब्लड डोनेट करने आया है उसको ब्लड से रिलेटेड डिजीज नहीं होनी चाहिए। ब्लड से रिलेटेड डिजीज बोले तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है एचआईवी फर्स्ट, उसको एड्स की डिजीज यानी कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस फर्स्ट टाइप, ह्यूमन इम्यूनो वायरस टू टाइप, ऐसा टाइप की डिजीज, या हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, एसटीएलवी फर्स्ट, एसटीएलवी टू, या फिर जैकॉब डिजीज जो होती है वो भी नहीं होनी चाहिए, मतलब बहुत सारी है। तो ब्लड से रिलेटेड कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए। आई थिंक आप लोगों को ये वाला तो चीज़ समझ में आ गया होगा, एक बार जल्दी से इसको नोट करो। बच्चों मैं नेक्स्ट अब आप लोगों को बता देता हूँ कि जब ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया जाता है तो इसका क्या सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट से मतलब समझना आप लोग, ब्लड को सिग्निफिकेंट के तौर पर भी चेक किया जाता है, यानी कि ब्लड का हेरिडिटी भी चेक किया जाए। सपोज करो कि एक फादर है और एक मदर है, अब इन्होंने मैरिज कर ली मैरिज करने से फादर मदर बनेंगे, हंसना मत भैया, आप लोगों को चीज़ समझाने के लिए मैंने बोला था, ठीक है ना। अब जब उनके बच्चा जो होगा, उनका जो ऑफस्प्रिंग होगा, उसको डिटरमाइन करना है कि उसके अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा, तो वो फादर और मदर के ब्लड ग्रुप से ही पता चलेगा कि जो बच्चा होने वाला है, जो ऑफस्प्रिंग होने वाला है, तो इसका क्या ब्लड ग्रुप होगा। तो वो कैसे पता चलेगा?
वो हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो अगले टॉपिक के अंदर, वो होगा ब्लड ग्रुप का सॉरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन का सिग्निफिकेंट रोल इन द हेरिडिटरी हेरिडिटी के अंदर, यानी कि आप लोगों को थोड़ा बहुत जेनेटिक्स वाला यहाँ पर चीज आएगी यहाँ पर, है ना। चलो ओके डियर स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ द ब्लड ग्रुप इन द हेरिडिटी। देखो सिग्निफिकेंस ऑफ द ब्लड ग्रुप इन हेरिडिटी का मतलब बच्चों ये हो गया है कि जो माँ बाप की जो संतान होती है यानी कि उनके जो बच्चे होते हैं, माँ बाप से कैसे कैरेक्टर और कैसे उनसे जीन्स वगैरह और कैसे ब्लड ग्रुप वगैरह ट्रांसफर होते हैं, तो उसी चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं। तो इस टॉपिक को बच्चों बहुत अच्छे से समझना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान सुनो, पहले पॉइंट में मैंने क्या रखा है कि सिग्निफिकेंट क्या होता है ब्लड ग्रुप इन हेरिडिटरी केस में। तो देखो ब्लड ग्रुप इन हेरिटेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, लॉ किसने दिया था इन हेरिटेशन का, मेंडल ने दिया था। तो मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता था। ये इन्होंने लॉ दिए थे, तीन लॉ आप लोगों ने एट्थ में भी पढ़ा था। अब मैं इस वीडियो के बाद में जब चैप्टर थर्ड लूंगा तब मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो ब्लड ग्रुप इन हेरिटेशन प्ले द सिग्निफिकेंट रोल इन द डिटरमाइन पेरेंटल रिलेशन डिस्प्यूट्स। देखो जो बच्चों पेरेंटेज जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं कोर्ट के अंदर, आप लोगों ने सुना होगा दो कपल आ गए और वो बोलते हैं कि नहीं ये बच्चा मेरा है, ये कहता है कि ये बच्चा मेरा, एक कपल बोल रहा है कि नहीं नहीं ये मेरी संतान है, दूसरा कपल बोलता है ये मेरी संतान है। कोटा में एक बार ऐसे ही हुआ था, राजस्थान कोटा के अंदर क्या हो गया था, एक बच्चे जो था वो ट्रेन के अंदर मिला और दो पेरेंट्स आपस में लड़ने लग गए, ठीक है ना। दो पेरेंट्स आपस में लड़ने लग गए, एक पेरेंट्स कहता है कि ये मेरा बच्चा है, दूसरा पेरेंट्स कहता है ये मेरा बच्चा है। तो एक किसी ने व्यक्ति ने राय दे दी कि भाई चलो आप लोग कोर्ट में चलो और कोर्ट में इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो बच्चों देखो उसी को अपन लोग इस एक एग्जांपल से समझते हैं, सुनना। लेट टेक एन एग्जांपल, हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया, मान लिया ये बेबी एक कोई एक लड़की है या कोई भी एक बच्चा है, उसका जो ब्लड ग्रुप है वो बी है, ब्लड ग्रुप पहले से पता चल गया बी है। अब हमको ये चेक करना है कि ये किस कपल का बच्चा है। तो देखो यहाँ पर टू कपल्स ले लिए, टू कपल डिक्लेयर द राइट ऑन द बेबी, दो कपल है वो अलग अलग कह रहे हैं कि यार ये बच्चा तो मेरा है, वो कह रहा है कि ये बच्चा मेरा है। तो वहां पर देखो मैंने दो कपल लिए, फर्स्ट कपल में हस्बैंड का जो ब्लड ग्रुप है वो है ओ और वुमेन का जो ब्लड ग्रुप है वो है ए बी। सेकेंड कपल जो है उसमें मैन का जो ब्लड ग्रुप है वो है ए और उसकी जो मिसेज है यानी उसकी जो पत्नी है उनका ब्लड ग्रुप है बी। अब देखो बच्चों कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसमें, एक बार में ही जब अपन लोग इनहेरिटेंस का लॉ लगाएंगे यानी कि मेंडल साहब को याद करेंगे, मेमोराइज करेंगे, उनको तन मन से भक्ति करेंगे उनकी, तो हम लोगों को मेंडल साहब हम राह दे मतलब एक इलाज देंगे और इसका सॉल्यूशन करके देंगे। तो मेंडल साहब की जय हो, इसी के साथ में हम लोग मेंडल साहब का लॉ याद करते हैं। देखो सबसे पहले आप लोग क्या करो, इनसे इनके एलील फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो ब्लड ग्रुप अगर ओ होता है तो ब्लड ग्रुप ओ का क्या लिखा जाएगा, आई आई ओ। ये आई क्या हो गया, इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम आपको मैंने कहा था, और ये इसके ऊपर लगा हुआ एंटीजन हो गया। ए बी का क्या हो जाएगा, आई बी का हो जाएगा आई ए और आई बी, क्लियर है बच्चों आप लोगों को मालूम होना चाहिए, है ना। ये तो हो गए इनके पेरेंट के, यहां ले लेते इनका भी ले लेते, तो इनका क्या हो जाएगा आई ए और आई ए, ये इनके सब में जीनोटाइप आप लोग बता रहा हूं आप लोगों को, ये हो जाएगा आई बी और ये हो जाएगा आई बी, ठीक है। ब्लड ग्रुप बी है ना, तो ब्लड ग्रुप बी के लिए ये ले लिया। एंटीजन ऊपर वाले को एंटीजन की तरह बताएंगे, ये ऊपर एंटीजन हो गए, ठीक है बच्चों। और यहां पर क्या हो गया, आई हो गया। अब आप लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, अब हम लोग क्या करते हैं कि इनके ब्लड ग्रुप से मैच करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, इनसे अलग अलग कर देंगे। तो देखो यहाँ से गैमेट अलग हो गए, एक आई जीरो अलग हो गया, एक आई अलग हो गया, ठीक है। यहाँ से इनको अलग कर दीजिए, ये आई ए अलग हो गया, यहाँ पर भी आई बी अलग हो गया, ठीक है ना। ये अलग हो गए, ये अलग हो गए। अब यहाँ पर क्या करते हैं, पहले वाले को इससे मैच करोगे, देखो बच्चों इसको इससे मैच करके देखो तो क्या रिजल्ट फॉर्म्ड होगा, आई ओ आई ए। अब इसको इससे मैच करके देखो तो क्या रिजल्ट फॉर्म्ड होगा, आई ओ और आई बी, ठीक है। अब इसको इससे मैच करके देखिए, ये वाला इससे मैच करके देखिए, तो कौन सा हो जाएगा, आई ओ
और ए, और ये कौन सा फॉर्म्ड हो जाएगा, आई ओ और बी, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पता चल गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका ये वाला इस तरह से पता चल गया। तो यहां पर अपन लोग ब्लड ग्रुप को भी देख सकते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको देखेंगे एक बार। तो देखो एक बार इसको देख लेते हैं, एक बार आप लोग इसको नोट कर लो ना, नहीं तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। ओके बच्चों, अब देखो इसको भी देखते हैं। अब इसका क्या ले लेंगे हम लोग, देखो इसके एलील अलग अलग कीजिए। तो एक का हो जाएगा आई ए, इसका हो जाएगा आई ए, इसका भी एलील अलग कर दीजिए, आई बी और आई बी अलग कर दिया ना। अब इसको पहले वाले को पहले वाले से मैच करो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आई ए आई बी। अब एक आगे वाले को पीछे वाले से मैच करो, देखो ऐसे क्रॉस करवाना आप लोगों को। यही अपन लोगों को किसने बताया था, मेंडल ने भी बताया था। अब यहाँ पर लो इसको इससे करो, तो आई ए और यहाँ क्या है आई बी, फिर वापस एक बार इसको और इससे मैच करो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आई ए और आई बी। तो यहाँ पर अगर अपन लोग ध्यान से देखें, यहाँ पर और यहाँ पर ऑब्जर्व करो, तो यहाँ पर क्या ब्लड ग्रुप आ रहा है, ए ब्लड ग्रुप आ रहा है, इसमें बी ब्लड ग्रुप आ रहा है, इसमें भी अगेन ए ब्लड ग्रुप आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है बी ब्लड ग्रुप आ रहा है। तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप जो है इसका ए, इसका बी, इसका वापस ए, इसका बी। बेबी का ब्लड ग्रुप क्या है, बेबी का ब्लड ग्रुप बी है। तो यानी कि इसमें प्रोबेबिलिटी बन गई है, अगर हम लोग ये चेक करेंगे अगर इसमें ब्लड ग्रुप बी आ गया तो दोनों में वापस से वही रिवेंज हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। लेकिन क्या हो जाता है, यहाँ मेंडल ने एक अपने प्रॉब्लम इजी करके ये दे दी है कि इससे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगी। देखो अब इससे तो पता चल गया कि इसका जो बेबी है, एक बार बच्चा बी भी आ रहा है, यानी कि यहाँ पर इसकी टेंडेंसी हो गई कि ये तो सही बोल रहे हैं कि ये बच्चा हमारा है। क्यों, यहाँ से पता चल गया ना कि इनमें ब्लड ग्रुप बी वाला भी बच्चा आ रहा है ना। अब यहाँ चेक करते हैं, यहाँ देखो यहाँ ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, तो पहले वाला बच्चा तो होगा नहीं, ये भी ए बी है, ये भी नहीं है, ये भी ए बी है, ये भी नहीं होगा, और ये भी ए बी है। यानी ये कपल फ्रॉड है, ये कपल झूठ बोल रहा था कि ये हमारा बच्चा है। तो राइट किसको मिल जाएगा इस बच्चे का, इस वाले फर्स्ट वाले कपल को मिल जाएगा। अब आपको पता चला होगा कि कितना बड़ा एक सिग्निफिकेंट रोल होता है ये पता लगाने के लिए, कि ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत बड़ा एक रोल होता है, सिग्निफिकेंट होता है कि भाई आप लोगों को ये डिटरमाइन किया जाता है कि जितने भी पेरेंटल रिलेशन डिस्प्यूट्स होते हैं वो सॉल्व हो सकते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो, अच्छे से इसको समझो। नहीं समझ में आए दोबारा एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखना, ठीक है ना। मैं साइड में हट जाता हूँ, एक बार जल्दी से इसको नोट करो। ये मैंने ऐसे ही एक एग्जांपल पुट किया है, आप लोग चाहो तो कोई और भी बना सकते हो, एक में डाल सकते हो, भाई फादर का ये डाल दिया, मदर का ये डाल दिया, अब पता लगाना है कि भाई बच्चे का क्या होगा, है ना, कर सकता है। तो अब इसके बाद में हमारे एक ही टॉपिक और फाइनल टॉपिक रह जाता है, एक बार जल्दी से इसको भी नोट करो, फिर हम लोग फाइनल टॉपिक को ले लेते हैं। ओके बच्चों, हमारा ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है ऑर्गन डोनेशन एंड बॉडी डोनेशन। अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि भाई ब्लड को डोनेट किया जाता है, यानी कि ब्लड डोनेशन होता है, ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया जाता है। इस टॉपिक में हम लोग ऑर्गन को भी डोनेट करेंगे और पूरी की पूरी बॉडी को भी डोनेट किया जाता है, पूरी की बॉडी देते हैं। अब वो पूरी की पूरी बॉडी डोनेट कौन करेगा, आफ्टर डेथ ऑफ द पर्सन क्या करता है, अपनी बॉडी को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, उसको जलाने नहीं दिया जाता, उसका पोस्टमार्टम नहीं होता, वो डायरेक्ट डोनेट कर दी जाती है कि भाई जिस किसी भी पर्सन को नीड हो तो वो काम आए। देखो क्या होता है, जानवर तो हमारे जिंदा है और मरने के बाद है, दोनों जगह पर काम आता है, लेकिन एक अच्छा इंसान वही है जो जीते जी किसी की मदद करे। तो हम लोग जीते जी आकर किसी की मदद नहीं कर पा रहे, तो एटलीस्ट हमारा एक इंसानियत होती है, हमारी एक ह्यूमिनिटी होती है कि मरने के बाद हम लोग किसी के काम आए। ऐसा कहा जाता है कि एक मरा हुआ इंसान 50 लोगों को खुशियाँ देकर जाता है। तो हमारा ज़िंदगी में एक ही फ़र्ज़ होना चाहिए, हम लोग किसी को दुख ना दें, तकलीफ़ ना दें, किसी की चाहे चलो हम लोग किसी की मदद भी नहीं कर पाए, पैसों से नहीं कर पाए या शारीरिक रूप से नहीं, लेकिन एटलीस्ट हम लोग जो हैं वो उनको खुशियाँ दे सकते हैं। कब, जब हम लोगों की मौत हो जाएगी या हम लोग डेथ हो जाएगी। देखो ज़िंदगी और मौत जो है वो चलता रहता है, आए हैं तो जाएंगे भी, लेकिन मरने के बाद हम लोग किसी के काम आ जाए तो वो बहुत अच्छा है। जीते जी तो चलो भाई हम लोग सामाजिक बंधनों में बंधे हुए हैं, थोड़ा व्यावसायिक कार्यों में बंधे होते हैं, हम लोग नहीं ध्यान दे पाते, मरने के बाद हम लोग जरूर ध्यान दे सकते हैं। तो वैसा ही कुछ किया गया है यहाँ पर अपने इंडिया में भी। देखो मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स डोनेशन इज डन आफ्टर द डेथ ऑफ द डोनर,
डोनर क्या हो जाते हैं, जब मर जाते हैं तो उसके बाद में वो अपनी पूरी बॉडी को डोनेट कर देते हैं, ज़्यादातर तो किस्सा ये होता है। लेकिन आजकल क्या किया गया कि लिविंग बॉडी भी डोनेट कर दी जाती है। बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिलेगी इन लोगों को भी। वन डेड बॉडी नियर अबाउट द 50% कैन हेल्प। देखो अपने इंडिया में पता सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ऑर्गन फेलियर हो रहे हैं, किडनी फेलियर हो रही है, जहाँ 2 लाख करीबन किडनी की रिक्वायरमेंट अपने इंडिया में, वहाँ अवेलेबल ओनली फॉर 10,000-8,000 तक ही हो पाती है। तो समझ लीजिए आप लोग कितनी डेफिशिएंसी से सफ़र कर रहे हैं, कितने पेशेंट बेचारे जिनको बराबर ऑर्गन डोनेशन नहीं मिल पा रहा है उस वजह से सफ़र कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मृत्यु होने का कारण भी यही है। डोनेशन ऑफ द टिश्यू, अब देखो बेटा मैंने डेफिनेशन लिखी है ऑर्गन डोनेशन की, डोनेशन ऑफ द टिश्यू ऑर्गन टू द अनदर पर्सन बाय द लिविंग और डेड पर्सन, किसी लिविंग पर्सन द्वारा या किसी डेड पर्सन द्वारा अपने टिश्यू या अपने ऑर्गन को डोनेट करना किसी अनदर पर्सन को, वो क्या कहलाता है, ऑर्गन डोनेशन कहलाता है। इंडिया की गवर्नमेंट ने ये देखते हुए 13 अगस्त को एज ए इंडिया लेवल पर 13 अगस्त को एवरी ईयर एक ऑर्गन डोनेशन डे बोल दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आता है एग्जाम में। अब अपने इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो 0.8 पर 10 लाख पीपल जो होंगे वो ऑर्गन डोनेशन करते हैं, ये अपनी इंडिया की डोनेटिंग नंबरिंग है, ठीक है ना, इंडिया की। डेवलप कंट्रियों में इससे ज़्यादा होगी, मैं अभी इंडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। नंबर ऑफ पर्सनलिटी ऑलरेडी डोनेट देयर द ऑर्गन्स, देखो बच्चों दो क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं कि किसने ऑलरेडी डोनेट कर दिया है या किसने अभी रिसेंटली डोनेट करने वाले हैं या करेंगे इन फ्यूचर में, ठीक है ना। तो डॉक्टर विष्णु प्रभाकर हो गए, ठीक है ना, ये एक ऑथर रह चुके हैं, इन्होंने डोनेट कर दी अपनी पूरी की पूरी बॉडी। फॉर्मर सीएम ऑफ द वेस्ट बंगाल श्री ज्योति बसु, वहाँ पर मैंने लिखा कैप्टन लक्ष्मी सिंगल, ठीक है ना, इन्होंने अपनी बॉडी को डोनेट कर दिया है। नाना साहेब देशमुख पांडे भी, वो भी बहुत अच्छे आदमी थे, वो एक सोशल फॉर्मर भी बोल सकते हैं, सोशल वर्कर भी बोल सकते हैं, एक हार्ड वर्कर बोल सकते हैं, उन्होंने भी अपनी पूरी की पूरी बॉडी को डोनेट कर रखा है। ये एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। और अभी एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और बता रहा हूँ, रिसेंटली अभी रिसेंटली मतलब बोले तो अभी ताज़ा अभी अपनी बॉडी को पूरा डोनेट किसने किया, एक क्रिकेटर है दिल्ली से बिलोंग करते हैं गौतम गंभीर साहब, और साध्वी है जिनका नाम है रितंबरा। तो साध्वी रितंबरा और गौतम गंभीर ने अपनी बॉडी डोनेट की है। ऐसा कैसा, कुछ ऐसे फिल्म एक्टर्स या सेलिब्रिटीज़ होंगे, उन्होंने भी अपनी बॉडी को या अपने बॉडी के कुछ पार्ट्स को, ऑर्गन को डोनेट किया है। इवन यहाँ तक मैं खुद की भी बात बता देता हूँ, मैंने भी नेशनल चल रहा है ये YouTube, बहुत वर्ल्ड वाइड है, इंटरनेशनल लेवल पर चलता है, लेकिन मैं आप लोगों को एक फैक्ट बता देता हूँ अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, मैंने भी मेरे मरने के बाद में मेरी बॉडी का आई जो है वो डोनेट करने के लिए बोल रखा है। तो किसी ना किसी की मैं भी मदद करना चाहता हूँ, जीते जी तो नहीं कर पाए लेकिन मरने के बाद करना चाहता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन एक चीज़ और भी बन सकते बच्चों कि यहाँ ब्लड को कौन, सॉरी बॉडी को कौन डोनेट कर सकता है, ऑर्गन को डोनेट कौन कर सकता है। तो ऑर्गन को डोनेट सभी जिन्हे कर सकते हैं, लेकिन एक एज क्राइटेरिया के बाद में, यहाँ 18 एज देखी जाएगी, सफरेज देखा जाएगा, एक यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज देखा जाएगा कि भाई इतना 18 हो गया, अब उनके ऑर्गन या बॉडी डोनेट करने के लायक हो गई है या इतना अब वो सफ़र कर सकते हैं, तो वो इस वजह से 18 एज क्राइटेरिया माना गया। बाकी कोई भी पर्सन जो है वो अपनी बॉडी को या ऑर्गन को डोनेट कर सकता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है और आज का ये वीडियो भी कंप्लीट होगा। अब नेक्स्ट जब मेरा वीडियो आएगा, जब हम लोग बच्चों जेनेटिक्स वाला चैप्टर लेंगे, चैप्टर नंबर 3। ओके बच्चों, थैंक यू, खूब पढ़ो, खूब आनंद से रहो। ओके, थैंक यू।